रोजगार चाहिए तो बनारस में आप यहाँ पे आइए। इस जगह का क्या नाम है? तो इस जगह का नाम है करौंदी ITI। अब इस जगह पे हो क्या रहा है? तो इस जगह पे हो रहा है सांसद रोजगार मेला चल रहा है अभी। तो अगर आप इस मेले में आ करके रोजगार पाना चाहते हो, अपने मनपसंद की नौकरी पाना चाहते हो, वाराणसी सहित अन्य स्थानों पर भारत के किसी भी कोने में अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके पा सकते हो। जैसा कि आप मेरे अगल बगल देख सकते हो कितनी भीड़ें यहाँ पर लगी हुई हैं और मंच भी सामने सजा हुआ है। मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये सामने मंच सजा हुआ है जहाँ पर अनाउंसमेंट चल रहा है। और इसके अलावा अब आसपास ये जो पंडाल लगा हुआ है एक ग्राउंड वाले में, तो इस वाले में अलग अलग कंपनियां, अभी फिलहाल अलग अलग बच्चों का इंटरव्यू सेशन चल रहा है और परिचय सत्र चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे तीन है, एक है SIIC स्किल इंडिया इंटरनेशनल, वहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे IT ऑटोमोबाइल्स ITI वालों के लिए अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है। बाकी यहाँ पे आप देखो SIIC जो बताया था, इसके अलावा यहाँ वाला ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें आपको बिजनेस डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे NGO के साथ साथ बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे चल रहा है रिक्रूटमेंट, जैसा आप देख रहे हो नरेंद्र एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट NGO का भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रहा है। ये देखें, देख रहे हैं, ये देखिए, वीडियो देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो है ये ग्राउंड वाला है, जो दूसरा सेक्शन है वो RTO ऑफिस है जहाँ पे जॉब मेला अभी चल रहा है। ये जॉब मेला 9 से लेके 12 तारीख तक दिसंबर में चलने वाला है। और इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे आओ, कांटेक्ट करो, तो यहाँ पे समय समय पर रोजगार का मेला लगता रहता है, तो आप अपने मनचाही नौकरी यहाँ पे आकर के पा सकते हो। जो इसके अलावा मैंने बताया था, हेल्प डेस्क भी रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आके हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो तमाम कंपनियाँ यहाँ पे आई हैं सांसद रोजगार मेला 2023 दिसंबर के महीने में, जिन जिन कंपनियों ने प्रतिभाग किया है उन कंपनियों का जो विवरण है, डेटा है, सूची है, उस प्रकार से शेड्यूलिंग की गई है जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हो, ये देखो। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कौन सी कंपनी किस हॉल में है, किस नंबर पर है, क्या क्या है और जॉब लोकेशन क्या है, ये पूरा आपको यहाँ पे डिटेल दे रखा है इन्होंने। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, ऐसे नॉलेजेबल और जो नीडेबल वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं, न सिर्फ बनारस के बल्कि बाहर के भी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अगर ऐसे डेटा आपको सूची चाहिए तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कहाँ से पाओगे फिर, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो और आगे दिखाते हैं। देखिए अगर आप दूर हैं तो आप इस QR को आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस पर स्कैन करके फॉर्म फिल कर सकते हो। और न सिर्फ 9 से 12 वाले में, आप बाद के भी जो मेला लगते हैं आप उसमें एनरोल हो सकते हो। तो आप ये QR स्कैन को स्कैन कर लो जो आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए, हालांकि जो IIT करौंदी का जो ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा है और हर एक प्रकार की यहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इनका फील्ड जो है एक इतना बड़ा ग्राउंड है, इसके इस वाले फील्ड में भी यहाँ पे अभी चल रहा था। और आगे वाला फील्ड जो SIIC वाला जो मैंने बताया था आपको, सेंटर वाला, वो इसके आगे वाले में पड़ता है। जब आप मेन गेट से एंट्री लेते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो उसको हम आगे दिखाने वाले हैं। यहाँ पे NCC वाले लोग गए, यहाँ पे पड़े हुए हैं भाई।
जो मैंने बताया था आपको, ये फील्ड वाला था, ग्राउंड वाला, और आरटीओ बिल्डिंग इधर साइड में है, अदर साइड में वो वाली बिल्डिंग थी, और ये आपका मेन गेट का मेन परिसर, ठीक है। ये देखिए सांसद रोजगार मेला, इसके ठीक बगल में मोदी जी का प्रचार, ठीक है। ये देखो पंजीकरण हेतु आपको SSIC बिल्डिंग के पास जाना पड़ेगा, ये चीज़ तो हमने आपको दिखाया ही था, है ना। कंपनी का जो भी है ये देखो, आपको जगह जगह पर हेल्प डेस्क मिल जाएगा, कोई भी सुविधा है। तो जो मैंने SSIC वाली जो बिल्डिंग बताई थी वो ये वाली है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी में आपको ये मिल जाता है करौंदी ITI के अंदर। और इस वाले में आपको क्या मिल जाता है, हेल्प डेस्क, इधर आपको फिर देखने को मिलता है। तो जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया, आप इन इन बिल्डिंगों में इन इन कंपनियों के जो ब्रांचेस हैं आप उसमें जा कर के आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो हमें, कमेंट सेक्शन में मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया जो अभी रोज़गार मेला चल रहा है, सांसद रोज़गार मेला 2023। आप अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, अपना प्यार बनाओ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को जाते जाते। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।